أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعساها ووجدوا ما أملوا هازرا ولا يزلم ربك أحدا और जब मुजरमीन के हाथों में नामा आमाल रखा जाएगा और वो अपनी किताब को डरते हुए देख रहे होंगे और बोलेंगे कि हाय हायर किस्मत ये कैसी किताब है जिसने हमारा छोटे से छोटा अमल और बड़े से बड़ा अमल भी नहीं छोड़ा और सारे के सारे अमाल उनके सामने हाजिर कर दिए जाएंगे और वही रोज़ होगा वही दिन होगा जिस दिन तेरा रब किसी एक पर भी नहीं करेगा सुर कफ़ आयत नंबर फोर्टी नाइन अब इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं इस आयत में रोज़े मशर का नक्शा खींचा गया और जब मैंने इसको पढ़ा और क़राम की राय मैंने जो है इसके ऊपर पढ़ी तो मुझे आज कल के ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी आ, हैरान कन मेरे सामने आई कि आया क्या हमें उस जो रिज़ल्ट का दिन है हमारा जो हमारा नतीजे का दिन है उस दिन का हमें पता है या हमें उस दिन का एहसास भी है तो आप देखें आज हमारे इस दुनिया में कोई इम्तहान हो कोई इंटरव्यू हो कोई भी चीज़ हो तो हम उसके लिए किस कदर तैयारी करते हैं दिन रात हम एक कर देते हैं किसी एक छोटे से इम्तान को भी पास करना हो बच्चों को अगर इम्तहान पास करना है तो उनके लिए भी हम अपनी दिन रात एक कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें भर लेते हैं लेकिन जिस नतीजे का हमने जो है वो डेफिनेटली सामना करना है यकीन सामना करना है रोज़ मैशर सामना करना है उसके लिए हमें ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है हम आखरत को बुलाए बैठे हैं हम उस नतीजे के दिन को बुलाए बैठे हैं और हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है और नामा माल की किताब हमारे सामने रख दी जाएगी और हम फिर उस दिन क्या करेंगे ना उस दिन कोई काम आएगा ना कोई रुपया ना पैसा ना ये दुनिया के जितने भी काम हमने किए होंगे माँ सिवाए उनके जो नेक अमल हमने आगे पहुँचाए हो सिवाय उनके कोई चीज़ काम नहीं आएगी तो मेरे भाई मेरी बहनों मेरा काम है सिर्फ आप तक ये बात पहुँचा देना मैंने पहुँचा दी अब आपकी मर्जी है आप इसको सीरियसली ले लें ले। या इसको ऐसे ही जो है वो बिल्कुल जाने दें इट्स ऑलवेज़ अप टू यू अपनी आखरत का ख्याल कीजिए क्योंकि आख़रत के ऊपर अगर ईमान हमारा कमज़ोर है तो डेफ़िनेटली हम दुनिया में फंसेंगे लेकिन अगर हमारा ईमान आखरत के ऊपर कंफर्म और पक्का है तो हम दुनिया में नहीं फँसेंगे हमें एहसास होगा कि असल मंजिल हमारी कोई और है और ये दुनिया हमारी सिर्फ और सिर्फ सफ़र का रास्ता है और इस रास्ते पे हम चल रहे हैं और इस रास्ते में हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं और अपने लिए आखरत में आसानियाँ पैदा करनी है तो अभी भी जाग जाए मौका है वक्त है ऐसा ना हो कि आप इस दुनिया से उठा लिए जाओ और पीछे अमाल का और रास्ता रबता सब कुछ मुनकता कर दिया जाए और फिर सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट वाले दिन आपके नाम अमाल की किताब आपके सामने रख दी जाए और उसके बाद पछतावे और खौफ के हमारे सामने कुछ भी ना हो जजाकलाकुम खैर